हेलो एवरीवन, आज है 12th नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएमडीसी स्टील के बारे में। 46 रुपीज़ का शेयर है आज, यहाँ पर तकरीबन 1.5% का फॉल देखने को मिला है। पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो 9% की गिरावट, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो 50 रुपये से गिर कर लगातार ये 43 पे गया था, वापस तेज़ी दिखाई, 50 पे आया वापस। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट है और आज इस कंपनी के नतीजे भी आ चुके हैं, तो बात करना बनता भी है कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं और भरोसा कर भी सकते हैं कि नहीं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एनएमडीसी स्टील 46 रुपीज़ का शेयर, 9% का फॉल एक महीने में। एक साल में अगर हम देखते हैं तो 9% की तेज़ी, लेकिन देखो यार गिरावट जो है वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पर आई है। पहले एक झटके में एक तेज़ी हमें यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो पिछले 9 महीनों से ये लगातार सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही दिखाता हुआ नजर आ रहा है। देखो पहले तेजी आई थी एक झटके में, अब देखो ये शेयर कहाँ पे था, 42 पे था, तेजी आई, फिर कुछ दिन कंसोलिडेट किया, फिर वापस 48 से ऐसा भागा कि एक ही झटके में 70 रुपये से भी ऊपर चला गया। फिर एक मेजर फॉल आया, वापस 50 पे गया, वापस तेजी दिखाकर 68 पे गया। उसके बाद जो फॉल शुरू हुआ है अगर आप अप्रैल महीने के एंड से देखोगे तो वो लगातार कंटिन्यू है। बीच में इसने अटेम्प्ट भी करे हैं तो हर बार वहाँ से गिरावट ही देखने को मिली है। तो डेफिनेटली कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है इसका, हालांकि एक बेहतरीन तेजी ज़रूर देखी है इसकी। 30 रुपये से 70 का लेवल बहुत कम टाइम में छुआ, लेकिन फेब्रुवरी से ही अगर आप देखो, फेब्रुवरी फर्स्ट वीक से ही अगर आप देखो तो लगातार गिरावट है और वो तेज़ी में तब्दील होती नजर नहीं आई है। लेकिन रिजल्ट्स इसके आए हैं आज और नंबर कुछ खास नहीं है। देखो पिछले साल के मुकाबले आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो ये कंपनी डीमर्ज मतलब एनबीसी का ही पार्ट था, एनबीसी जो लिमिटेड उसका पार्ट था, उससे अलग हुई थी ये कंपनी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो रेवेन्यू इसके 1,535 करोड़ के हैं अभी जो लास्ट सितंबर के है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू थे। तो देखा जाए तो कम रेवेन्यू हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, काफ़ी कम है। पिछले साल से मैं कंपेयर नहीं करूंगा, रीज़न सिंपल है कि सही भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लगातार अब जाकर तो कंपनी फुल फ्लेज में काम करना शुरू कर रही है पिछले कुछ क्वार्टर से, क्योंकि पिछले साल ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू भी अगर आप देखो तो 277 करोड़ मतलब करोड़ का था, जो अभी 1,500 करोड़ का है, लेकिन फिर भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ है ये। और कंपनी लॉस में है, और छोटा मोटा नहीं, भारी भरकम लॉस कर रही है कंपनी, क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो चुका है। देखो रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ रहे हैं, 2,365 करोड़ का खर्चा हुआ है इनका, जो कि पिछले साल 400 पैदा को, पिछले साल भले ही रेवेन्यू था रेवेन्यू कम, लेकिन खर्चे भी पिछले साल भी तो उतने ही थे। इससे पहले के क्वार्टर में रेवेन्यू ज़्यादा थे लेकिन खर्चे उससे ज़्यादा के थे यहाँ पर। तो देखा जाए तो खर्चा कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर हो रहा है और कंपनी लॉस मेकिंग है, तकरीबन 600 करोड़ का लॉस किया है कंपनी ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इससे पहले के क्वार्टर में भी तकरीबन 550 करोड़ का लॉस था ही यहाँ पर, और नुकसान तो है डेफिनेटली यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 130 करोड़ के आसपास का लॉस था। तो देखा जाए तो लॉस मेकिंग कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल हुई नहीं है, टाइम लगेगा, अब कितना टाइम लगेगा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इंतज़ार तो करना पड़ेगा। आने वाले कुछ क्वार्टर देखते हैं कि कैसे इसके होते हैं, तेज़ी देखने को मतलब एटलीस्ट कुछ टर्न अराउंड देखने को मिलेगा अभी कि नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही हमें बता पाएगा। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करी जाए तो 21 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए आज के दिन। कंपनी अगर आप देखो तो भैया मार्केट के बीच का 13,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और देखिए अभी अगर आप देखो तो स्टील सेक्टर जो है, जो कमोडिटी सेक्टर है, उसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह चाइना है, चाइना जिस तरीके से भाई साहब डंपिंग कर रहा है उसे कहीं ना कहीं दिक्कत में आ रहे हैं ये कमोडिटी वाले सेक्टर जो है। अगर आप देखो केमिकल शेयर में गिरावट आ रही है, स्टील शेयर में गिरावट आ रही है, बाकी की जो और कमोडिटीज़ है वहाँ पर भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एक टाइम था जब 73 रुपीज़ का शेयर था, एक टाइम था जब ये 30 रुपये से भी नीचे ट्रेड कर रहा था। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 67% लोग कह रहे खरीदारी करो, 17% लोग कह रहे बेचो और भागो, 16% लोग कह रहे होल्ड करो। और रिजल्ट डेफिनेटली इसके आए हैं, लेकिन डिविडेंड कोई पे नहीं करेगा, ये रीज़न सिंपल सा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है। जब कंपनी प्रॉफिट ही नहीं करे तो डिविडेंड कहाँ से पे करेगी। अब देखते हैं कि प्रॉफिट कमा भी पाती है कि नहीं। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो जाहिर सी बात है कंपनी लॉस मेकिंग है, तो नेगेटिव में इसका पी रेशियो है। और फाइनेंशियल्स देखा जाए तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, नुकसान है ये। और आप देखो सितंबर के बाद आपको इनके नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, उससे पहले अगर आप देखो तो कोई रेवेन्यू कोई प्रॉफिट नहीं, क्योंकि कंपनी तब तक इनकॉर्पोरेट थी नहीं, मतलब कि एटलीस्ट वो पार्ट थी एनएमडीसी का, ठीक है,
यहाँ पर उसके बाद देखो तो सितंबर से आपको देखने को मिला है इनके रेवेन्यू, और देखा जाए तो रेवेन्यू जो है वो पिछले 2 क्वार्टर में बहुत बहुत अच्छे थे। मार्च और जून में तकरीबन 2000 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार रेवेन्यू कम हुआ है इनका, 1500 करोड़ में सिमटा है। और लॉस तो भैया 550 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 600 करोड़ का लॉस इसने इस बार भी किया है, जो कि देखा जाए तो इससे पहले के क्वार्टर में भी कंपनी लॉस ही कर रही थी। देखो अभी शुरुआत है, देखते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी कहाँ तक जाती है, चीज़ें बेहतर भी हो पाती है कि नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, प्रमोटर के पास 60.79% का स्टेक है, एक भी शेयर हालांकि प्रमोटर का गिरवी नहीं है। यहाँ पर आप एक चीज़ नज़र करोगे तो खरीदारी की जगह बिकवाली आ रही है। दिसंबर में जो म्यूचुअल फंड 3.19% पे थे, आज वो बेच बेच के 0.45 पर आ चुके हैं। डोमेस्टिक अगर आप देखो तो 15.93% से 15.62 पर है, हल्के से कह सकते हैं कि बिकवाली करी है। एफआईज भी अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो हालांकि एफआईज आप 4.33% से 4.56 पर आए हैं, हल्की सी खरीदारी हुई है। रिटेल की होल्डिंग ज़्यादातर यहाँ पर बढ़ती नजर आई है, 8.36 से वो बढ़कर आए हैं कहाँ पर, वो आए हैं 10.45 पर। तो जनरली रिटेल की होल्डिंग ज़्यादा देखने को मिली, अदर पार्टीज़ भी 8.12% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। जो 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 इनके नंबर्स आए वो उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, हालांकि एक्सपेक्टेड ही है कि भैया ऐसे ही नंबर आएंगे। अभी भी कुछ और क्वार्टर इनके नंबर्स आपको इसी तरीके के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते कि एटलीस्ट साल 2 साल में चीज़ें बेहतर हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि नंबर कुछ खास अच्छे नहीं है और एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो तो कर रहा है। सपोर्ट बहुत नीचे के लेवल पर है, और वो 40 रुपये का इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर है, बाद में 30 रुपये का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा, दूर बैठो, तमाशा देखो, नंबर उतने अच्छे नहीं है और मार्केट ऑलरेडी करेक्शन वाला है, थोड़ी बहुत दिक्कतें बाजार में देखने को मिल रही है। अगेन देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। खरीदारी बिकवाली अगर आप करते हो तो भैया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और NMDC स्टील के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।